अभी एक 61 का मदरबोर्ड है, छोटा वाला GH61MS। तो देखो इसमें कौन सा प्रॉब्लम आता है तो वो ही दिखाता हूँ। अभी दो प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो ये देखो, टिगर दिया, टिगर नहीं ले रहा है बोर्ड, तो इसको ऑफ करेंगे पहले। डिस्चार्ज करने के बाद फिर से दिखाता हूँ, डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है। तो हो गया, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज कर लेते हैं इसको। डिस्चार्ज कर दिया, अभी देखो फिर से पावर दिया और हम अगर टिगर दे तो ये देखो लाइट, देखो ये जो डिबग कार्ड का एलईडी है ये लोली ग्लो हो रहा है, मतलब फुल्ली ग्लो नहीं है और थोड़ा सा हो रहा है। तो ऐसा केस में एक यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है जो कि प्रॉब्लम करता है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। तो ट्रांजिस्टर को हम छोड़ने के बाद भी इसको और एक प्रॉब्लम है। तो देखो ये एक ट्रांजिस्टर सीमोस सेल के पास मिलता है, ये कहाँ गया, ये वाला है सीमोस सेल के पास। तो एक सेकेंड, ये गया। इस ट्रांजिस्टर को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो बोर्ड में कोड जनरेट हो रहा है पर स्टे नहीं कर रहा है। ये फिर से ऐसा हो रहा है और ऑफ हो रहा है। तो देखो ये एक नया प्रॉब्लम है, अच्छा लगेगा केस स्टडी जो देख रहे हो। तो इसका क्या करें, तो ये जो कंपोनेंट है इसको ये कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है जिसके बाद, ये ऑन होने के बाद। तो अभी देखो ऑन अगर हो जाता है तो 32 कोड पे अटक जाता है। तो हमने यहाँ पर पहली दफ़ा देखा है 63 कोड मीन्स सीपीयू का एरर है, तो ये 32 कोड भी सीपीयू का एरर है। ठीक है, यहाँ पर जो एक 32 का कोड है ये भी एक सीपीयू का एरर है, सीपीयू का एरर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, दोनों तरफ फॉल्टी हो सकता है, आपका सीपीयू ख़राब भी हो सकता है। दूसरी तो ये है, सॉकेट में अगर कोई इशू है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड चलेगा, आपको लगेगा नो डिस्प्ले केस है, आप इधर उधर कुछ करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये था कस्टमर का सीपीयू। अभी सॉकेट देख सकते हो फुल्ली क्लीन है और कोई भी पिन वोकेंस नहीं है और कनेक्ट भी नहीं है एक दूसरे के साथ। अभी जो है तो फिर से मैं ये सीपीयू डाल देता हूँ इसमें। फिर से मैंने सीपीयू डाला, कार्ड तो है यहाँ पर, तो फिर से एक बार पावर देता हूँ। अच्छा, दोबारा पावर लिया तो ये सॉल्व हो गया, मतलब पहले जैसे ऑफ हो रहा था अब नहीं हो रहा है। पर क्या है, इसमें दिक्कतें है, 32 का एरर है और सीपीयू का ही एरर है। तो इस केस में आप सीपीयू चेंज करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। चलो मान के चलो जिनके पास डिबग कार्ड नहीं है वो क्या समझेगा, उनको लगेगा कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो वोल्टेज अगर चेक करें हम, तो इसको जितना जहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए या फिर जितना भी सीपीयू वीटीटी कोर मतलब वीसीसी सब कुछ इसका ओके बनेगा, रैम का भी वोल्टेज प्रॉपर बनेगा। अगर मैं इसको रैम हटा दूँ, तो देखो रैम हटा दिया हमने, तो फिर से पावर दे रहा हूँ, फिर से दिया तो ये देखो रैम का एरर है। ठीक है, अभी 53 कोड है, ठीक है, तो रैम का एरर आ रहा है। अभी हम रैम डाल दें तो कहीं भी स्लॉट पे डालो, तो उस स्लॉट पे था, अभी इस स्लॉट पे डाल रहा हूँ, देखो ये जेन्युइन रैम है। और फिर से अगर हम रैम डाल के पावर दे तो 32, अभी 63 और 32 ये दोनों ही बायोस से जनरेट होता है, ज़्यादातर 90% केस में बायोस से जनरेट होता है और 20% केस में आपको सीपीयू सॉकेट से हो सकता है, सीपीयू से हो सकता है। ठीक है, सीपीयू सॉकेट का जो पिन है उससे हो सकता है या फिर सीपीयू से हो सकता है। तो हमारा केस में सीपीयू सॉकेट सही है, सारा पिन ओके है और सीपीयू भी हमारा जेन्युइन है, तो हम उसके तरह मतलब ध्यान नहीं देंगे। तो हम अभी करेंगे क्या, इसका जो बायोस है इसमें एक बार
लगे हाथ इसका एक ऑफिशियल बायस हम डालेंगे, ये जो बायस चिप है इसको हम रिमूव करेंगे। और मैं ये MX IC है, MX का चिप है और इसमें 4 MB का ये चिप होता है, तो इसमें एक ऑफिशियल बायस में अनदर एक चिप में ऑफिशियल बायस को रीप्रोग्राम करके फिर लौटता हूँ, ठीक है। फिर इसको निकाल के एक बार बायस डाल के देखेंगे। अभी देख सकते हो ये जो बोर्ड है, इसका जो चिप है, ये अभी तक किसी ने छेड़खानी नहीं किया और ये कंपनी का ही ऐसा ही है, जैसे बोर्ड मैन्युफैक्चर होकर आता है वैसा ही है, अभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने भी अप्लाई नहीं किया, बस ऐसा केस स्टडी बहुत सॉल्व किया इसलिए डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो चिप है ऐसे रखते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ और मैं एक नया चिप में इसका बायस डाल के लौटता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा नया चिप 4 MB का, जिसमें हमने इसका ऑफिशियल एक बायस डाला। अभी क्या है, इस चिप को हम रिमूव करके इस चिप को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो सीमोस का सेल है उसको हम निकाल लेंगे और कैमरा को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, और SMD हमारा रेडी है बस। SMD रेडी है हमारा, तो इसको मैं फटक से निकाल लेता हूँ, साथ में रहो और देखो ये सॉल्व भी होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो भी बताते हैं। क्या है भाई इतना टाइम, वोल्टेज कम है, थोड़ा सा वोल्टेज कम है घर पे इसलिए इतना लेट हो रहा है। तो इस चिप को यहाँ पर रखता हूँ, और हमने जो चिप में नया बायस डाला है जो कि ऑफिशियल बायस है उसको लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा शोल्डरिंग करना है क्योंकि नहीं करूंगा तो दिक्कतें आएगा। हो गया, तो इसमें मैंने एक नया चिप डाला और ऑफिशियल वायर्स के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं किया फिलहाल। तो अभी इस सीमोस सेल को डालते हैं और देखते हैं एक बार इसका स्टेटस क्या है, कुछ चेंजेस है कि नहीं। पावर दिया, कैमरा को ऐसे कर देते हैं और टिगर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी है 51 का कोड है इसमें, ठीक है। तो अब तक 6 मतलब 32 आ रहा था, अभी क्या है रैम का एरर आ रहा है। चलो अभी रैम का एरर है, तो चलो
यही रैम था पहले, और इसको साइड में रखते हैं और किसी एक दूसरे रैम डालते हैं। मे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर से रैम का एरर। तो अभी इसका जो स्लॉट है इसको थोड़ा सा ब्रश से हम क्लीन करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हो गया, वो ही रैम डालते हैं पहले वाला है डेटा का। ठीक है, फिर से देखते हैं। फिर से रैम का एरर है। दूसरे वाला और एक रैम लगाऊंगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे इसका एग्जैक्ट क्या हो रहा है, रैम का स्लॉट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। चलो ये रैम भी हटा देता हूँ, ये सब जेन्युइन रैम है, ले लेना चाहिए था। तो चलो और एक रैम डालते हैं फाइनली। डाला, हाँ ये रैम सपोर्ट कर गया 94। अब फिर से ये ऑन होगा और डिस्प्ले आएगा। ये डिस्प्ले का बीप दिया है। ठीक है, तो देखो वो दो रैम सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर ये जो दो रैम है ये भी जेन्युइन रैम है, इसी से मैं काम करता हूँ। हर वीडियो में यही रैम आपको दिखेगा। ये अभी ले नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा रस्ट फस्ट आया है। तो देखो बेसिकली क्या है, 63 63 जो कोड है वो भी हमारा सीपीयू का कोड आता है, उसका भी सोल्यूशन बायोस से आता है। और अभी जो अभी देखा 32, ये दो कोड आप ध्यान में नोट डाउन कर लो। अगर 61 या फिर गीगाबाइट का 61 और 81 और 110, इस तीन सीरीज का बोर्ड में अगर ये 63 कोड या फिर 32 कोड आ जाता है तो आप समझ जाओ या फिर आपका सीपीयू सॉकेट में इशू है या फिर सीपीयू में इशू है। इधर अगर दोनों में से नहीं हो रहा है तो थर्ड ऑप्शन आपको बायोस में जाना है। पर डायरेक्टली आप ऐसे बोर्ड अगर आए और आपके पास अगर ये यूनिवर्सल कार्ड है तो डायरेक्टली बायोस को आप कुछ भी मत करो, क्योंकि हो सकता है मे बी उस बोर्ड में आपका सीपीयू सॉकेट से हो रहा है या फिर जो सीपीयू लगा है उससे हो रहा है, पर आपने डायरेक्टली बायोस को अगर रिप्रोग्राम कर दिया तो कुछ कुछ बोर्ड होता है जो कि ऑफिशियल बायोस डालने से भी उसमें डिस्प्ले नहीं आता है। प्रॉब्लम इस सेक्शन में था, मतलब इस सेक्शन में था, पर आपने इधर थोड़ा सा भी चेकआउट नहीं किया, डायरेक्टली किसी वीडियो देख लिया, बायस किया, हो गया, बस बायस कर दिया। ऐसा नहीं करना है। पहला स्टेप ऐसे केस में 63 और 32 में फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, सीपीयू अगर आपके पास है तो आप चेंज करके देखो, ना हुआ तो स्लॉट को देखो, अगर कोई पिन ब्रोकन है तो उसे सही करने की कोशिश करो। अगर हो सके आपसे अगर कोई पिन एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर भी अगर नहीं हुआ और आपका सीपीयू सॉकेट बिल्कुल क्लीन है इस बोर्ड की तरह, तो आप बायस पे जाओ। इसमें जो बायस अभी मैंने डाला, इसमें ऑफिशियल बायस डाला है, गीगाबाइट का फ्री बायस है, सबको मिल जाएगा आसानी से। मॉडल नंबर लिख के सर्च करो तो ऑफिशियल बायस मिल जाता है बोर्ड का। तो इसका डिस्प्ले भी देखना, तो देखना थोड़ा सा चाहिए क्योंकि मॉनिटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड में इंसर्ट करता हूँ उससे ही पता चल जाएगा आप लोगों को। ये मैंने कीबोर्ड डाला, हाँ आ गया, ये देखो ये है हमारा कीबोर्ड, ये देखो डिस्प्ले आ गया। ठीक है, अभी बीजेपी भी आउटपुट हो गया है मेरे ख्याल से, तो चलो लगे हाथ एक बार देख भी लेता हूँ। तो ये है बीजिए डाला, हाँ ये देखो, ये देखो बीजेपी भी आ गया है। ठीक है, तो इसी बोर्ड से ही चल रहा है। तो ये छोटा सा केस स्टडी है, पर क्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले जो ये बोर्ड हो रहा था थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, ऑफ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट आपको मिलेगा, ये
क्लियर हो जाए। हाँ यहाँ पर तीन कंपोनेंट मिलता है, उसमें से ये कंपोनेंट कभी कभार डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा होता है। तो अभी तो फिलहाल बात से हो गया, तो इसके ऊपर और एक वीडियो अलग से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रॉब्लम के साथ, इस सेक्शन का प्रॉब्लम के साथ कोई बोर्ड आता है तो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, हो सके तो एक लाइक करके जाओ। लव यू ऑल, जय हिंद।